नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की कगार पर पहुंचे दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा बढ़ाने की पहल की जा रही है। साथ ही एयरपोर्ट परिसर में आने वाले यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को भी बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसको लेकर नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक अभिमन्यु ने एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा लिया है, जिसके तहत उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर बाहर सहित तमाम बिंदुओं की जांच बारीकी से करने का आदेश भी जारी किया है। इसको लेकर उन्होंने स्पाइसजेट कंपनी, इंडिगो, एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट की सुरक्षा संभाल रहे पुलिस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जहां पर उन्होंने एयरपोर्ट से जुड़ी सारी जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली है। दो दिवसीय दौरे पर गए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक ने पूरे एयरपोर्ट पर बहाल किए गए सुरक्षा व्यवस्था को मॉनिटरिंग की है, जिसके बाद वो वापस लौटे हैं। जानकारों की माने तो दिशा निर्देश के आलोक में जल्द ही एयरपोर्ट पर कुछ तब्दीली देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कौन कौन से बदलाव किए जाएंगे ये कहना मुश्किल है, जिसके तहत ही अब एयरपोर्ट की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का तो खास इंतजाम किया ही जाएगा, साथ ही बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए जाने की तैयारी हो रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एयरपोर्ट की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने कई मानक तय किए हैं। हालांकि दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर इसमें चूक नजर आती है। दिल्ली मोड़ से दरभंगा एयरपोर्ट की एंट्री गेट पर सड़क किनारे दोनों तरफ झोपड़ी नुमा दुकानें खुली हुई हैं। यह दुकानें किसकी अनुमति से लगाई गई हैं, सुरक्षा दृष्टिकोण से यहां दुकान लगाना कितना सही है, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। दुकानें खुल जाने के कारण यहां हमेशा सैकड़ों की संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके कारण ही रह रहकर जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसे दुकानदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जानकार बताते हैं कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां दुकानें लगाना ठीक नहीं है, इन्हें अविलंब यहां से हटाया जाना चाहिए। अब आइए बताते हैं नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का क्या है काम। आपको बता दें, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का मुख्य काम सुरक्षा नियमों और विनियमों की मॉनिटरिंग और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए सर्वेक्षण करना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा नियंत्रणों को लागू करने वाले व्यक्ति उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित हो और अपने कर्तव्यों का निष्पादन के लिए अपेक्षित अनुभव रखता हो। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दरभंगा एयरपोर्ट अब तक अपने नाम कई कीर्तिमान दर्ज कर चुका है। एयरपोर्ट की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि शुरू होने के कुछ समय बाद ही इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।